सलियाबाद सरहदी जिला पुंछ के तहसील मंडी की जहां पर तहसील मंडी की आवाम की अरसा दराज से ये मांग थी कि तहसील मंडी की सड़क को मरम्मत किया जाए, लेकिन आज अरसा दराज के बाद तहसील मंडी में सड़क का काम शुरू करवा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज बूढ़ा अमरनाथ मंदिर मंडी से लेकर बस स्टैंड मंडी तक सड़क का काम शुरू करवा दिया गया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर मंडी अतिका जान ने रिबन काटकर सड़क का काम शुरू करवाया। मैं आपको बता दूं कि आए रोज ये देखने को मिल रहा था कि आवाम की ये मांग सुनने को मिल रही थी कि आवाम का कहना था कि बूढ़ा अमरनाथ मंदिर से बस स्टैंड मंडी तक इसका काम करवाया जाए, लेकिन अरसा दराज से ये मांग थी। लेकिन आज तहसील मंडी के आवाम की मांग को सुना गया और आज डीडीसी मेंबर मंडी अतिका जान ने रिबन काटकर काम शुरू करवा दिया गया है। आप बखूबी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं, ये तहसील मंडी के हैं जहां पर आज डीडीसी मंडी अतिका जान ने सड़क का काम शुरू करवाया। आपको बता दें कि आप स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख सकते हैं कि डीडीसी मंडी अतिका जान रिबन काटते हुए नजर आ रही है। इनके साथ अब्दुल अहद भट्ट, एसएचओ मंडी, ठेकेदार चिश्ती, मुबशर बांडे अकरम लोन और दिगर कई लोग मौजूद हैं। नाजरी, इस दौरान आवाम का क्या कुछ कहना रहा, आए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं एलजी इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर खसूसी तौर पर मैडम अतिका जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी कोशिश से, जान साहब से लेकर आज तक इनकी कोशिश से इस मंडी की बहुत डेवलपमेंट में इनका अहम रोल रहा है। चाहे पैसे मिलें, कहीं से काम करवाएं, किससे कोशिश करवाएं, तो ये जो मंडी बाज़ार की लुक जो टूटी हुई थी, रोड टूटी हुई थी, यहाँ लोग एजिटेशन करते थे, डीसी साहब ने और जो सरदार हरविंदर सिंह जो एक्शन पीडब्ल्यूडी, उन्होंने मैडम साहिबा और जो बीडीसी यहाँ पे शमीम गनई साहब और मंडी के बाकी आवाम जो हैं सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब ने कोशिश की, और उस कोशिश की वजह से आज मौसम ठंडा होने के बावजूद भी इस मंडी के लोगों के साथ जो डीसी की कमिटमेंट थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की जो कमिटमेंट थी, वो पूरा करने के लिए आज काम शुरू हुआ। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ। पहले किया गया हुआ वादा आज डिप्टी कमिश्नर पहुँच और चश्ती साहब और डीडीसी मेंबर अतिका जान, बीडीसी चेयरपर्सन शमीम गनई की मौजूदगी में आज यहाँ पे तारकोल बिछाई जा रही है बूढ़ा अमरनाथ मंदिर से लेके बस स्टैंड तक। मैं मंडी टाउन का सरपंच होने के नाते चश्ती साहब का, डिप्टी कमिश्नर पहुंच का, तहसीलदार मंडी का, डीडीसी मेंबर अतिका जान का, बीडीसी चेयरपर्सन शमीम गनई का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो ये जो मंडी बाजार में यहाँ तारकोल डाल रहे हैं, मकदमाइज कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर डीडीसी यहाँ पे जो है मैडम जी हैं यहाँ, इनका शुक्रिया अदा करें और बीडीसी का और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हतलवा सा कोशिश यहाँ डिपार्टमेंट को ये हुक्म दिया कि मंडी बाज़ार को जो है साफ़ सुथरा किया जाए। काफ़ी देर से ये मसला चल रहा था, आज तकरीबन 6 महीने से ये जो है प्रोसेस चल रहा था। बहुत मुश्किल से आज जो है हम इंतजामिया के लिए ही मशहूर हैं कि इन्होंने आज हमारी उस मुराद को पूरा किया और मंडी का बाज़ार जो है तकरीबन 1 किलोमीटर है मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक, 1 किलोमीटर यहाँ की खस्ता हाल थी सड़क की, और आज जो है मैगडमाइज होने जा रहा है। नहायत ही खुशी का मुकाम है, पूरा बाजार जो है खुशी से झूम रहा है और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मैडम जी को, डीडीसी मेंबर जो है यहाँ और बीडीसी और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं डीसी साहब, उनका शुक्रिया और ख़ासकर
एसएसपी साहब ने जितना रोल अदा किया उसमें दो बार डी साहब को फोन किया कि मंडी के बाजार की शिकायत बार बार आती है, इसको दूर किया जाए, क्योंकि यात्रा में कमिटमेंट की थी उस इंतजामिया ने कि इसको हम बाजार को ठीक करेंगे। आज ठीक हुआ। आप मीडिया के वसाकत से मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और डीडीसी मैडम साहिबा को और बीडीसी को और यहाँ के जितने भी हमारे ऑफिसर हैं सब ने अच्छा रोल अदा किया और इसके लिए जो है कोशिश की, आज जो है हमारा ये मसला हल हुआ। बड़ी देर की जो मांग थी वो आज पूरी होने जा रही है। इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जाने माने शख्सियत जनाब चिश्ती साहब का, जिनकी पहले भी हमने सुना बहुत बड़ी लाइबिलिटी पड़ी हुई है, लाइबिलिटी बावजूद होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी इस मांग को अपने दिल में लेते हुए हमारी जो जो डिमांड थी उसको पूरा किया, क्योंकि इनकी मैंने सुना है कि इनकी बहुत लाइबिलिटी थी। और मैं ये साथ साथ ये भी कहूँगा, जितने भी सियासी लोगों ने हमारी इस मंडी बाज़ार की हालत देखने के बावजूद हमारी इसमें मदद की, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डीडीसी चेयरमैन साहब और बीडीसी साहब का इनका हक बनता है हमारी बात करना, क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने भी हमारी मदद की, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनका हर वक्त हमारा हक बनता है। ये मंडी के रहने वाले हैं और इनका हक बनता है हमारी बात करना, जो बात इन्होंने की इसके आगे भी हमारी बात करें, मदद करें। ये लोग ना कि ये लोग आपके हैं, ये चाहे जिस मर्जी पार्टी से हों, मगर मंडी की आवाम जो है वो हर सियासी अतबार से सबसे आगे है। मेरी गुजारिश होगी तमाम सियासी लोगों से कि मंडी के लोगों का खास ख्याल रखें। जितने भी लोग हैं ये हमारे लोग हैं, आपके लोग हैं, सबके लोग हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एक साल से यहाँ मंडी के लिए जो बाज़ार में खस्ता हालत थी, नालियों की खस्ता हालत थी और यहाँ खड्डे पड़े हुए थे, आज यात्रा जब यहाँ शुरू हुई तो हमने डीसी साहब से और डिविजन कमिश्नर साहब से भी अपील की, तो उस वक्त उन्होंने इसकी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन आज हम ये शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का पुंछ और हमारे जो चश्ती साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ये भारतीय जनता पार्टी के, और हमारी जो अतिका मैडम जान साहब यहाँ आई हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं और बीडीसी चेयरमैन हमारा शमीम गनई है, और इनके सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। तहसीलदार साहब मंडी और हमारे SHO साहब जो मंडी हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश की, हमारी मदद इसमें बहुत की है, और हम जो आज लुक पड़ रही है ये इन्हीं की वजह से लुक पड़ रही है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम।